जा सका। पुलिस ने महेश के परिवार वालों की शिकायत पर कटघर थाने में मामला दर्ज कर लिया है और हत्या के आरोप में लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लिया है और अब वो बाकी के बचे दो आरोपियों की तलाश में जुटी है। सुल्तानपुर के लालकापुर गांव में एक नाबालिग के साथ किया रेप और उसके बाद कर दी उसकी हत्या। बच्ची का शव घर के बगल के खेत में मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने नमूने भी लिए और पुलिस ने इस मामले को जल्द से जल्द खुलासा करने का दावा किया है। आपको बता दें कि मृतक बच्ची के घर रविवार को बारात आई थी। आए दिन सामने आ रही बलात्कार की घटनाओं ने जहाँ समाज को झकझोर के रख दिया है, वहीं प्रदेश की महिला सुरक्षा पर भी काफी निशान खड़े कर दिए। औरैया के अछलदा थाना इलाके में विधुना मार्ग पर चिरैयापुर के पास बारात लेकर जा रही एक बस जीप से टकराने के बाद गहरे गड्ढे में पलट गई, जिसमें 6 बारातियों की घटना स्थल पर मौत हो गई, जबकि 1.5 दर्जन से ज्यादा बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जीप के परखच्चे उड़ गए। बस बारातियों को लेकर घसारा गाँव जा रही थी। इस घटना के बाद शादी समारोह में मातम छा गया। बस और जीप की टक्कर में घायल हुए बारातियों को अस्पताल भेजने के लिए ग्रामीणों ने 108 नंबर की एम्बुलेंस को कई बार फोन कर बुलाया। कई घंटे बाद तक एम्बुलेंस घटना स्थल तक नहीं पहुंची। बाद में ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में घायलों को बैठाकर अछलदा अस्पताल पहुंचाया। सभी घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। करीब आधा दर्जन घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारे में इन दिनों सरकार के लगातार पलटते फैसलों से गरमाया हुआ है। जी हां, सरकार ने अपने लिए 4 DIG रेंज के फैसले को पलट दिया है। एक बार फिर पुरानी व्यवस्था लागू हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इस फैसले के पीछे पुलिस विभाग की राजनीति बड़ा कारण है या राजनीतिक नेताओं की नाराजगी। प्रदेश की भगोड़ा सरकार ने सरकार बनते ही प्रदेश में 4 जोन बनाने का फैसला लिया था। देहरादून, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल की DIG रेंज बनाई गई थी। इसमें अधिकारियों को लगातार तैनाती की जा रही थी। इस फैसले की इसलिए भी तारीफ हो रही थी क्योंकि दूर दराज से आने वाले लोगों को अपने पास ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मिल जाते थे। मकसद था कि शक्तियों की विकेंद्रीकृत व्यवस्था की जाए, लेकिन साल भर में ही यह व्यवस्था क्यों ध्वस्त कर दी गई, जबकि 3 दिन पहले ही गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजकर साफ कहा था कि इन रेंज को बरकरार रखा जाएगा। 4 DIG रेंज इसलिए भी की गई थी ताकि सीमांत क्षेत्र उत्तराखंड में सीमाओं की निगरानी ज्यादा चौकसी से की जा सके और सीमांत क्षेत्र में अपराध पर शिकंजा कसा जा सके। लेकिन अब क्या यह चिंता नहीं रह गई है? सूत्रों की माने तो रेंज हटाए जाने के 2 कारण बताए जा रहे हैं, एक पुलिस विभाग की अंदरूनी राजनीति और दूसरा सरकार के रसूखदार मंत्री की नाराजगी। विकास तो होना ही होना है, लेकिन विकास के संयोजित ढंग से होना है। तो हमारी राज्य सरकार ने अपने विचार, अपने सुझाव दिए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उसको भेजा हुआ है और हमारे अधिकारी बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो आशंकाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। कैसे दूर होंगी? यशपाल आर्य की नाराजगी के बाद सरकार ने फैसला लिया और रेंज को खत्म कर दिया। हालांकि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के अनुसार उनको किसी बात की नाराजगी नहीं है, लेकिन भले ही मंत्री जी मना करते रहे, लेकिन खुद मुख्यमंत्री का आर्य के घर उन्हें मनाने जाना और उनको 2 घंटे बाद ही रेंज को खत्म कर दिया जाना साफ बताता है मामला राजनीतिक दबाव का था। इको सेंसिटिव जोन का मामला अब केंद्र और राज्य सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने प्रदेश सरकार को इको सेंसिटिव जोन पर हंगामा न करने की नसीहत दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश द्वारा इको सेंसिटिव जोन पर प्रदेश को हंगामा नहीं करने की नसीहत देने के बाद अब प्रदेश में उनके बयानों पर नाराजगी जताई जानी शुरू हो गई है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने साफ कर दिया है कि इको सेंसिटिव जोन से उत्तरकाशी के इलाकों में परेशानियां बढ़ेंगी। उनके अनुसार पर्यावरण को बचाने की प्रतिबद्धता हमारी भी है, लेकिन पर्यावरण तभी बच पाएगा जब इलाकों में जनता रहेगी। ऐसे में किसी भी तरह से ऐसे फैसले नहीं लिए जाने चाहिए जिससे कि जनता को जरा भी परेशानी से गुजरना पड़े। हालांकि प्रदेश में इको सेंसिटिव जोन के मसले पर हरक सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि जब जनता ही नहीं होगी तो इको सेंसिटिव जोन किस काम का। देहरादून में एक महिला के साथ बलात्कार की कोशिश में नाकाम होने वाले 3 दरिंदों ने महिला के सर पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हुई। लेकिन दुख की बात तो ये है कि देहरादून पुलिस ने मामले को 6 घंटे बाद दर्ज किया। राजधानी देहरादून की पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए आए दिन नए नियमों और निर्देशों की बात करती रहती है। पुलिस के बड़े अधिकारी कहते हैं कि देहरादून महिलाओं के लिए सुरक्षित है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। देहरादून में
सोमवार को हुई वारदात ने देहरादून पुलिस के सारे दावों की हवा निकाल दी है। दरअसल देहरादून के डालनवाला थाना क्षेत्र में करजन रोड में रहने वाली ललिता देवी के साथ उनके ही मकान में रहने वाले एक किरायेदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न होने पर महिला को जान से मारने के लिए धारदार हथियार से उसके सर पर हमला बोल दिया, जिस कारण महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि महिला के परिजनों और आरोपी के बीच में पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है, जिस कारण आज महिला को अकेले पाकर आरोपी ने अपने दो नौकरों के साथ मिलकर उसके साथ रेप करने की कोशिश की और रेप में कामयाब न होने के बाद उस पर हमला बोल दिया। और जो चेन वगैरह थी वो भी ले गया है, इसमें जो संबंधित थाना इंचार्ज है उसको बता दिया गया है कि महिला संबंधित मामलों में किसी प्रकार की कोई लापरवाही न हो, उचित जांच करके उचित कार्रवाई तत्काल की जाए। प्रदेश की राजधानी में जब महिलाओं के साथ दिन दहाड़े इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो प्रदेश के अन्य जिलों और अन्य क्षेत्रों में क्या होता होगा, ये सोचने वाली बात है। भले ही DGP सुरक्षा की बात कहते रहे और महिलाओं के लिए नए नियमों और कानूनों की बात कहते रहे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। हल्द्वानी के जेट किंग कंप्यूटर हार्डवेयर इंस्टीट्यूट में छात्रों के साथ फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। हल्द्वानी के भोटिया पड़ाव स्थित जेट किंग कंप्यूटर हार्डवेयर इंस्टीट्यूट के छात्रों ने इंस्टीट्यूट प्रबंधन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले 65 छात्रों ने प्रबंधन पर फीस गमन करने और एग्जाम नहीं कराने का आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस CNI की गुहार लगाई है। छात्रों का कहना है कि इंस्टीट्यूट द्वारा उनसे पूरी फीस जमा करा ली गई और इंस्टीट्यूट द्वारा न तो उनको फीस की रसीद दी गई और न ही अब तक उनके सेमेस्टर पूरा कराकर उनसे एग्जाम कराए गए। छात्रों का आरोप है कि इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बच्चों की फीस लेकर फरार हो गया है। वहीं इंस्टीट्यूट के मैनेजर का कहना है कि ये सब एक सॉफ्टवेयर के बंद होने के कारण हुआ है। बहरहाल छात्रों की गुहार पर अब ये पूरा मामला पुलिस देख रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी लोकजीत सिंह का कहना है कि जांच के बाद छात्रों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं वाराणसी में आज 47 डिग्री टेम्परेचर ने लोगों के होश उड़ा रखे थे, लेकिन एकाएक आंधी और तूफान आने की वजह से बूंदाबांदी हुई, जिसकी वजह से मौसम खुशनुमा बन गया। 47 डिग्री टेम्परेचर के बाद आज हल्की दोपहर को बूंदाबांदी होकर वाराणसी का माहौल जो था वो खुशनुमा हो गया। बारिश के मौसम में बच्चों ने भी खूब लुत्फ उठाया जमकर बारिश का। वहीं वाराणसी की जनता को तपती गर्मी से मौसम ने निजात दिलाया है। स्पॉट फिक्सिंग मामले में फंसे विंदु दारा सिंह और मैयप्पन को मुंबई कोर्ट ने 14 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सट्टेबाजी के आरोप में गिरफ्तार अभिनेता विंदु दारा सिंह और BCCI अध्यक्ष श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मैयप्पन को 14 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुंबई के किला कोर्ट ने विंदु और मैयप्पन के साथ ही दो और आरोपियों प्रेम तनेजा और अपिलेश पटेल को भी 14 जून तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। ये चारों सोमवार तक पुलिस रिमांड पर थे, जिसे बढ़ाने के लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने अर्जी नामंजूर करते हुए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब मंगलवार को दारा सिंह और मैयप्पन की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। देखना होगा कि कोर्ट उन्हें जमानत देती है या नहीं। स्पॉट फिक्सिंग मामले में दिल्ली पुलिस ने BCCI के पूर्व सचिव संजय जगदाले से भी पूछताछ की, लेकिन इस पूछताछ में संजय जगदाले से सिर्फ यही पूछा गया कि टीम मैनेजमेंट के रिश्ते खिलाड़ियों से कैसे हैं। स्पॉट फिक्सिंग मामले में जांच कर रही दिल्ली पुलिस अपनी जांच में तेजी लाते हुए सारे सबूत इकट्ठा करने में लगी है, और इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने BCCI के पूर्व सचिव संजय जगदाले से पूछताछ की। जगदाले को राजस्थान रॉयल्स टीम और क्रिकेटरों के बीच करार में BCCI की भूमिका समझने के लिए बुलाया गया। राजस्थान रॉयल ने करार के उल्लंघन के मामले में अपने 3 गिरफ्तार खिलाड़ी एस श्रीशांत, अजी चंडीला और अंकित चौहान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जगदाले को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया था, वो कुछ चीजें समझना चाहते थे, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने जगदाले को बुलाया था। स्पॉट फिक्सिंग को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने अब संजय जगदाले का सहारा लिया है, लेकिन अब देखना होगा कि जगदाले का ये सहारा दिल्ली पुलिस के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। JB Institute of Technology Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. And then, interestingly... Refreshing minigum. पाँच मिनट में 25 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें, फटाफट सारी खबरें देखिए 5 मिनट में 25 खबरें रोजाना दोपहर 2:55 पर सिर्फ समाचार प्लस पर।
खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, तुलसी सादा पान मसाला। 25 मिनट में 50 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें, देखिए बिना ब्रेक की खबरें। 25 मिनट में 50 खबरें, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा, देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, झांसी, मेरठ, उत्तर प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की खबर मेगा सिटी प्लस में रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं अनामिका पांडे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजनीतिक पार्टियां भी आएंगी आरटीआई के दायरे में, केंद्रीय सूचना आयोग ने दिया आदेश, चंदे और चुनाव खर्च की भी मिलेगी जानकारी। सीएम अखिलेश यादव गाजियाबाद में छात्रों को बांटे लैपटॉप, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जताया भरोसा, कहा बिना भेदभाव के करेंगे सूबे का विकास। चंदौली में छात्राओं ने किया हंगामा, लैपटॉप पर कन्या विद्याधन न मिलने से जताई नाराजगी, छात्राओं ने मुगलसराय वाराणसी रोड किया जाम। बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी नेताओं ने विद्युत नियामक आयोग दफ्तर का किया घेराव। उत्तराखंड को केंद्र से मिल सकता है विशेष पैकेज, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया ऐलान, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष पैकेज की हो रही है तैयारी। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में कांग्रेस के ही 4 नेताओं ने की मुखबिरी, एनआईए अधिकारियों का दावा, नक्सलियों को मिल रही थी पल पल की जानकारी। लखनऊ में गोमती नदी में नाव पलटने से डूबे 6 मछुआरे, 2 की मौत, 4 लोगों को गोताखोरों ने निकाला बाहर। औरैया में बस ने जीप को मारी टक्कर, सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 18 से ज्यादा घायल, कई की हालत नाजुक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बहराइच की, जहां एक 22 साल के युवक को गांव के ही एक दबंग ने चोरी के शक में जिंदा जला डाला। मामला नानपारा सर्कल के आजाद नगर गांव का है। दरअसल राम स्वरूप नाम के दबंग ने महज एक शक के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। उसे शक था कि उसका मोबाइल पीड़ित ने चुराया है, इसे लेकर कई बार उसने पीड़ित पर दबाव भी बनाया, लेकिन जब पीड़ित ने चोरी की बात से साफ इनकार कर दिया तो गुस्साए दबंग रामस्वरूप ने पहले तो उसे मारा पीटा और फिर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पीड़ित युवक अस्पताल में भर्ती है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी में एक ओर बदमाश बेलगाम हो रहे हैं, दूसरी ओर पुलिस के लापरवाहीपूर्ण रवैया भी बदस्तूर जारी है।
लगता है पुलिस अपने रवैये में सुधार करने को तैयार नहीं है। ताजा मामला बुलंदशहर का है। 1 मई की रात को हथियारबंद बदमाशों ने सरेआम फाइनेंसर पर जानलेवा हमला कर दिया। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने दो बदमाशों को मौके से दबोच लिया।